अरे बाप रे, ये सब तो छोटा काम है, बड़ा धमाका था यार। अब थोड़ी सी इनकी एनर्जी इतनी लाउड है तो आप लोगों की एनर्जी कितनी लाउड होगी? एनर्जी लाउड है आप लोगों की है? गाड़ियाँ उठा के दिखा दीजिए, यही समझ आ जाएगा मुझे। बोला तो जान नहीं रहा है, मुँह में घोड़ी चबा के आए हो आप लोग, ऐसा लगा मुझे। सोहेल, सो दिस इज अ परफेक्ट टाइमिंग टू टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग गाइस। सो हमारे बीच में एक बेहद ही कह सकती हूँ टैलेंटेड सितारे आ चुके हैं। एंड ये भी बताना चाहूंगी कि एक बहुत ही खूबसूरत सी फिल्म हमारे सिनेमा घरों में 25 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है, जो कि ब्लैक मनी टीम को, उनके डायरेक्टर्स को, उनके एक्टर्स को ड्यू रिस्पेक्ट यहाँ पे बुलाना चाहूंगी फॉर द पोस्टर लॉन्चिंग। तो सबसे पहले तो उनके लीड एक्टर, एवरीवन जोरदार तालियों से हमारे शैलेंद्र कुमार जी को ऑन स्टेज स्वागत किया जाए। मुझे तालियां हो जाए बोलना ना पड़े, वो खुद ब खुद हो जाए ना। ग्रेट, वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अ कोर एक्टर ऑफ दिस ब्यूटीफुल मूवी विजय मिश्रा सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए एवरीवन प्लीज। Requesting to Rajiv Kaur as well. Please make some noise, guys. Requesting to Parmesh Verma. And I, इनका नाम लूंगी तो बहुत सारे इसमें उपाधियां जुड़ने वाली है। Our co-actor of this movie, our casting director of this movie, as well as executive producer of this movie. So everyone, please make some noise for Ravi Gupta as well. Requesting to Avinash Shukla, requesting to Vipin Agrawal, requesting to Mr. Anshuman Rawat, as well as calling you on stage, Akhilesh as well. Everyone, please put your hands up for the whole crew members and the team members and the actor as well on stage. Zordar taaliyan ho jaye. Guys, we have a poster launching over here. So, aap log ke beech mein bilkul nayi naveeli film ka poster aane wala hai, jo ki bahut hi kaungi सीरियस इश्यू स्कैम एंड ब्लैक मनी के ऊपर बेस्ड है इस मूवी। सो पहले तो चाहूंगी आर डायरेक्टर एंड एज वेल एज आर लीड एक्ट्रेस मोहतरमा, यू आर लुकिंग लाइक अ वाओ। मैं चाहूंगी कुछ इस फिल्म के बारे में कुछ बताना चाहेंगी। हेलो लखनऊ, हेलो लखनऊ, थैंक यू सो मच आप सब यहाँ हैं और थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। फिल्म के बारे में ये कहना चाहूँगी कि ये फिल्म रियल इंसिडेंट पर है और जैसे कि आप सभी रॉ एजेंट्स के बारे में सुन रखा होगा और यूजुअली रॉ एजेंट्स जब हम सुनते हैं तो इंटरनेशनली हम चले जाते हैं जेम्स बॉन्ड लाइक। लेकिन इस फिल्म के बारे में कहना चाहूँगी कि जब आप देखेंगे तो जैसे कि अभी आप मुझे देख रहे हैं और मैं आपको देख रही हूँ, बिल्कुल रियल ऐसा ही सब कुछ आपको रियल दिखने वाला है, रियल स्टोरी के साथ। बहुत मेहनत करी है हमने और अच्छा लगे तो बहुत सारे अप्रिसिएशन दे दीजिएगा और अगर कुछ ना अच्छा लगे तो समझिएगा हमने कोशिश करी, फिर कुछ अच्छा लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हेलो लखनऊ, सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा अमर उजाला का, जिसने इतना बड़ा मंच हमको दिया, आपसे रूबरू होने का मौका मिला। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय विधायक जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ बनाया। इस फिल्म के बारे में मैं ये बोलना चाहूंगा कि इस फिल्म को बनाने की एक जरूरत ये थी कि ये फिल्म साइबर क्राइम पर, जो आज के समाज की बहुत जरूरत है हमें साइबर क्राइम से बचना, तो ये फिल्म पूरा उसी पे आधारित है, जिसके निर्देशन किया है अंशुमान रावत ने, जिसके मेन विलेन है राजवीर गौर,
जिसमें इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई है विपिन अग्रवाल ने, जिसके मेरे साथी बने हैं इस क्राइम को बचाने के लिए विजय मिश्रा जी। इतना आप मैं परिचय में बात, और ये है अविनाश जी, और ये है रवि गुप्ता जी, जिन्होंने इस फिल्म के हर एक भाग में अपना योगदान दिया है। स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर पढ़ते पढ़वाने तक की जो मेहनत है वो रवि गुप्ता की है, तो इनके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। और हम उम्मीद करेंगे कि 25 को आपसे मुलाकात होगी, होगी मुलाकात आपसे। थैंक यू सो मच सर। मैं चाहूंगी रवि गुप्ता सर, जिनके बारे में परिचय देते हुए इंसान का मुंह थक जाए, मैं चाहूंगी आप अपने बारे में और इस पिक्चर के बारे में दो शब्द कहें प्लीज। थैंक यू सो मच आप सभी का। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज नवरात्रि के बड़े पावन अवसर पर अमर उजाला ने हमारी पूरी टीम को यहाँ पर सम्मानित बुलाया और आपके बीच में आने का मौका दिया। मौका बहुत अच्छा है क्योंकि 25 अक्टूबर को फिर से हम आपके बीच में आ रहे हैं अपनी फिल्म के साथ में। और ज़्यादा फिल्म के बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि आप थिएटर में देखेंगे तो ज़्यादा आपको पता चलेगा कि आखिर फिल्म की कहानी क्या है। और बाकी तो हम आते रहते हैं नैनी के नज़ारों से लेकर के आपके बीच में। और मैंने टीवी सीरियल में अगर आपने देखा होगा महाभारत, राधा कृष्ण, पोरस, महाकाली, यम है हम, तो बहुत सारे सीरियल्स हैं जिसकी कास्टिंग मैंने की है। अभी लास्ट मेरी मूवी आई थी मैं अटल हूँ पंकज त्रिपाठी सर के साथ, तो उसमें भी मेरा थोड़ा बहुत योगदान रहा है। तो इस तरह के योगदान रहते हैं। बाकी सब की जो भी प्रतिभा है वो आप देखिएगा, फिर आप अप्रिशिएट करिएगा। हमारा पेज है यूनिक्लियर फिल्म के नाम से, और इसके पहला म्यूजिक जो रिलीज हो रहा है कल, जी हम लोग दशहरा का दिन चुना है, इसका पहला जो सॉन्ग हम रिलीज करने वाले हैं जो हमारा टाइटल ट्रैक है, तो अभी हम लोग उसका पोस्टर आपके सामने लॉन्च करेंगे। तो आप उसको यूनी रिदम यूट्यूब पर आप जाएंगे, उसके चैनल पर आपको हमारे सॉन्ग मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि हम जानते हैं आपके बारे में, मैंने थिएटर में आपके बारे में बहुत सुना है और आपने कितना उम्दा काम किया है, एक बहुत ही उम्दा डायरेक्टर के साथ साथ एक बहुत ही उम्दा एक्टर भी है, तो मैं चाहूंगी एक बार जोरदार ताले हो जाए फॉर रवि गुप्ता सर। और सर मैं आपके लिए कहूंगी, आप सर ने बताया आप विलन बने हैं, लखनऊ वालों दिल पे हाथ रखो एक बार प्लीज, सभी लोग हाथ रखो ना एक बार, सभी लोग सच बताना ये आदमी कहाँ से विलन लगता है प्लीज, मतलब मेरा बहुत सीरियस क्वेश्चन है, लग रहा है कहीं से, बट मैं सच बता रही हूँ, अगर आप मूवी देखेंगे ना तो इस कैरेक्टर से नफरत जरूर हो जाएगी, इतना उम्दा कैरेक्टर आपने निभाया होगा, तो कुछ दो शब्द सर आप भी कहना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सभी लोग सबसे पहले इस रामनवमी की शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे बुलाया। और आज हम लोग अपनी इस फिल्म की शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं प्रमोशन आप लोगों के साथ। देखिए अभी जैसे बताया गया कि विलन, हर आदमी के अंदर एक विलन है, बहुत नेचुरल कैरेक्टर है। इस फिल्म के सारे कैरेक्टर सारे नेचुरल हैं और ग्रेइश कैरेक्टर, सबके अंदर अच्छाई और बुराई है, किसी में ज्यादा बुराई है तो वो थोड़ा सा विलन हो जाता है। 2 साल लग गए हमें इस मंच तक पहुंचने के लिए या इस जगह तक पहुंचने के लिए, काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी अथक प्रयास के बाद हमारे पूरे लखनऊ में पिक्चर शूट हुई है। लखनऊ के ही आर्टिस्ट हैं इसमें मेनली, और मुंबई तक पहुंचे हैं, ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया में पिक्चर रिलीज हो रही है 25 तारीख को। हम आप सभी लोगों से विनम्र विनती करते हैं कि 25 तारीख को जरूर आप अपने नियरेस्ट थिएटर में जाएं और इस पिक्चर को देखें, जिसके कि साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी फिल्में भी आ रही हैं। हमारी लखनऊ की एक छोटी सी पिक्चर है, बड़ी फिल्मों में सिंघम अगेन और भूल भुलैया पार्ट 3 आ रही है, तो इस पिक्चर को भी आप लोग अपने साथियों को प्यार दीजिए, हमारी इस पूरी टीम को एक बार थिएटर तक जाके इसको सफल बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा। हम दोबारा प्रयास करते रहेंगे और यहाँ आते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
थैंक यू। और बिल्कुल लखनऊ में ये पिक्चर शूट हुई है तो लखनऊ वाले तो बिल्कुल प्यार देंगे। अब बारी है पोस्टर लॉन्चिंग की, सॉन्ग के पोस्टर लॉन्चिंग की, तो मैं चाहूंगी कि प्लीज पोस्टर स्टेज पे ले आया जाए। What a wonderful posture with a wonderful cast. So, मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां हो जाए for the theme of Mani Tantra. मुझे लगता है ताकि से ज्यादा डांडिया बज जाए तो ज्यादा मजा आएगी। सभी लोग थैंक यू सो मच टू द होल कास्ट एंड विशिंग यू ऑल वेरी वेरी luck on the behalf of Amar Ujala and the behalf of Amar Rumal कि आपकी ये movie super hit नहीं super 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 hit जाए। thank you so much guys everyone, please put your hands up for the whole cast of Mani Tantra. thank you so much guys. तो गाइस आई गेस आप लोगों की डांडिया थोड़ी सी इसमें धूल तो नहीं आ गई है, एक मिनट पकड़ो, धूल तो नहीं आ गई डांडिया में, आ गई है। चलो अच्छा सच बताना दिल से यार, हाथ रख के दिल पे खाओ कसम ना, मुंह में घोई चबा के आए थे, फेविक लगाया था, बोलने को मना किया, लखनऊ वाले सुना तो मैं बहुत बोलते हैं है ना मानसी, है ना बोलते भी बहुत है और फिर आप करके बहुत प्यार से तहजीब से समझाते भी हैं।